नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर जिले के बटाला पुलिस के अधीन पड़ते सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक के गांव मछराला में चली गोलियां। कांग्रेस के दो गुटों में आमने सामने चली गोलियां। गांव के चल रहे विकास कार्यों को लेकर हुई टकरार। घटना गांव के शमशान घाट की है। यहां विकास कार्य चल रहे थे। कांग्रेस का मौजूदा सरपंच मंजीत सिंह उम्र 40 वर्ष की मौके पर हुई मौत। गांव की पंचायत में बतौर कामकाज की देखरेख के लिए गांव की तरफ से लगाए गए बंधक हरदयाल सिंह उम्र 42 वर्ष अस्पताल ले जाते रास्ते में हुई मौत। सैकड़ों की तादाद में चली आमने सामने गोलियां। पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही जांच पड़ताल। घटना सुबह के समय की है, जब गांव के शमशान घाट में गोलियां चलने लगी तो गांव में माहौल दहशत भरा हो गया। वहीं इत्तला मिलते ही मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे बटाला पुलिस के एसपी तेजवीर सिंह हुंदल ने बताया कि दोनों पार्टियों में टकरारबाजी के दौरान ही गोलियां चली, जिसमें दो गांव के दो व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गए और दोनों को अमृतसर रेफर किया गया और अस्पताल में दोनों की ही मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच पड़ताल के बाद जो भी सामने आएगा उसी के हिसाब से आगे की बनती कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये जी कोई इन्हों की आपस ही छिड़केबाजी सी, कोई लाट लाट करके इन्हों का मर्डर होया। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जा रही है, अभी तक स्टेटमेंट लैन गए और FIR लॉन्च करके जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, पोस्टमार्टम लिए कितने भेजा गया जी? ऑन द स्पॉट जो इंसीडेंट होया, इन्हों रैफर कर दिता है अमृतसर जी। अमृतसर दोनों अलग अलग हॉस्पिटल डैथ होगी जी। पोस्टमार्टम आफ्टर FIR उत्थे ही।